बैतूल में नगर के रेलवे स्टेशन पर रोजाना लगने वाली सीमेंट और यूरिया की रैंक से गंज के व्यापारियों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। रैंक से रोजाना सैकड़ों ट्रक सीमेंट यूरिया लेकर जिले भर में पहुंचा रहे हैं। देखने में आ रहा है कि जब ये ट्रक लगातार एक के पीछे एक निकलते हैं तो इससे जो धूल का गुब्बार उड़ता है वो लोगों के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही है। जानकारी अनुसार मराम झीरी में रेलवे का रैक पिछले कई वर्षों से प्रभावित है, फिर भी नगर के धन्ना सेठों की वजह से सीमेंट और यूरिया ले रैक बैतूल में ही लग रही है, जिस कारण आने जाने वाले वाहनों से धूल उड़ रही है और व्यापारी वर्ग खासा नाराज है, जिससे स्वास्थ्य पर भी धूल से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कई बार शिकायत करने के बाद भी रेलवे द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब तो रेलवे का अंडर ब्रिज भी बंद है, जिस वजह से इन वाहनों को 3 किलोमीटर का फेरा ज्यादा पड़ रहा है, जिससे नगर में जगह जगह सड़क खुद गई है और जिससे मिट्टी उड़ने से लोगों को चोट भी लग रही है। क्या रेलवे इस ओर ध्यान देगा, ये देखने वाली बात होगी। और क्या समस्या ये बताइए आप? मेरा नाम कुलदीप मालवी है और मैं नियर रेलवे स्टेशन रोड के पास मेरी विकास ऑटो सेंटर है और मेरी दुकान के 4 दुकान आगे से माल गोडाउन का रोड है, जहां पे धूल सीमेंट की राखड़ और ये सारी चीज इतनी भयंकर उड़ती है कि जिसकी हद नहीं, जिससे मेरा लगभग 6 से 7 साल हो गए स्वास्थ्य कभी सही नहीं रह रहा है। मैंने नागपुर बॉम्बे हर जगह दिखा दिया, डॉक्टरों का कहना है कि आपको धूल की एलर्जी है और स्टेशन के वहां से जो ट्रक वगैरह चल रहा है उससे इतनी भयंकर धूल उड़ती है कि जिसका कोई समाधान नहीं है। इसके लिए कभी कोई शिकायत सर सीएम हेल्पलाइन में भी कर चुके हैं और यहां के जनप्रतिनिधियों को भी इसके 3-3, 4-4 बार आवेदन दे चुके, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा। तो आप क्या चाह रहे सर? ये सिर्फ इतना सा हो जाए और कोई वो नहीं है। ये रास्ते से गाड़ियों का आना जाना बंद, रास्ते से गाड़ियों का आना जाना बंद हो अथवा ना हो, हम तो धूल की समस्या से समाधान मिल जाए इतना ही बहुत है। प्रदूषण हो रहा है जी, बस बस आप अगर इसका देखोगे तो अभी आपको 5 मिनट में इसका निकल जाएगा कि कितनी धूल उड़ रही है यहाँ से। ये मेन रोड है बैतूल का और यहीं से इतनी भयंकर धूल उड़ती है कि जिसकी हद नहीं। मेरा नाम अल्लाह रखा फाजलानी है सर। यहाँ पे बहुत परेशानी है, धूल से बहुत दिक्कतें हो रही है, इसके चक्कर में हमारी कई बार तबीयतें खराब हो गई, हर हफ्ते डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, बहुत डस्ट है, डस्ट के मारे जीना मुश्किल हो गया सर। कब से आपकी यहाँ पे दुकान है? मेरी दुकान तो हो गई सर 60 साल हो गए इस दुकान को। 60 सालों से रास्ता ऐसी है? नहीं, रास्ता पहले छोटा सा रास्ता था, यहाँ अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था, छोटा सा ही रास्ता था, फिर एक बड़ा करा है तो चक्कर में हमारी दुकान अलग कर दी थी, छोटी सी जगह मिली हमको, उसी में चला रहे हैं। अभी आप क्या चाहते हैं बताएं? ये चाहते हैं कि सर धूल प्रदूषण खत्म हो यहाँ से। इस मामले में आपने क्या लिखी शिकायत करी? नहीं, लिखी शिकायत तो नहीं करी सर, अब बोलते रहते हैं साफ करने वाले अधिकारी लोग आते हैं, उनको बोलते रहते हैं सर इसका कोई सोल्यूशन कर रही है, साफ कराइए, तो एक बार थोड़ा सा साफ करे बस, छोड़ दिए उसको। आपकी ये बताएं, जहाँ पर अपन खड़े हुए हैं ये बैतूल शहर का सबसे प्रमुख मार्ग है रेलवे स्टेशन का, और पीछे आप अगर देख रहे हैं तो ये माल गोदाम है जहां पर यूरिया खाद की रैक, सीमेंट की रैक, गेहूं, मक्का, चना, ये जो राशन से संबंधित सभी पूरी जितनी भी गाड़ियां हैं, माल गाड़ियां सब यहां पर आती है और यहां से ट्रांसपोर्टिंग होके वो शहर के बैतूल जिले के विभिन्न कोनों में और गोदामों में जाती है। अभी आप देख रहे हैं कि यहां पर यूरिया और सीमेंट की ये जो रैक खाली होती है, इसका इतना मिक्सचर यहाँ पे मालगोदाम के अंदर हो गया है कि जिसकी जो धूल है, अगर मान लो एक साथ 8-10 ट्रक चलते हैं तो ये धूल जो है पूरे बैतूल शहर के अंदर, रेलवे स्टेशन के ऑफिसों के अंदर, शहर के अंदर जो छोटे छोटे दुकानदार रोड के ऊपर बैठे हैं, मकान है, रहवासी इलाके हैं, इसके अंदर ये पूरी धूल और यूरिया जा रही है। हम विगत 20-25 वर्षों से इस बात पे जनरल मैनेजर को भी, सांसद जी को भी, विधायक जी को भी, हर लोगों को समझा चुके हैं, लेकिन इनको जू नहीं रेंग रही है। हम ये चाहते हैं कि ये मालगोदाम यहाँ से हटे, और जब रैक नहीं रहती है 2-2, 3-3 दिन, तब ये रेलवे के जो जवाबदार अधिकारी हैं ये निकम्मे और भ्रष्ट हैं, एक नंबर के। मैं तो चैलेंज करता हूँ इनको कि जब 2-3 दिन रैक नहीं रहती है तो आप अपनी ये राखा और जो सीमेंट का जो मलबा ये जम जाता है, इसको आप साफ क्यों नहीं करते? जो नगर पालिका रोडों को साफ कर रही है, धूला को साफ कर रही है, जिससे नागरिकों को थोड़ा सा चैन तो मिलता है, मगर रेलवे के निकम्मे अधिकारियों के कारण और जो राष्ट्रीय हमारा प्रदूषण बोर्ड है जिसका हेड ऑफिस मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा में,
इनके जो निकम्मे अधिकारी हैं, जो ये प्रदूषण से संबंधित किसी भी कार्रवाई को ये लोड लेने को तैयार नहीं है, जागरूक नहीं है। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि माल गोदाम से ये सीमेंट की रैक, खाद की रैक, ये मलामगिरी में खाली होना चाहिए और नागरिकों को इससे मुक्ति मिलना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर, नाक के अंदर पूरे कीटाणु भरा गए हैं सीमेंट और ये खाद के, जिसके कारण हमारा सोना, खाना पीना, परिवार सहित बच्चों का सब आराम हो गया।